तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो रेनो 8T के स्क्रीन गार्ड के बारे में, इसको कैसे लगाना है, क्या पूरा प्रोसीजर है और ये कहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, पूरे प्रोसेस को बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने फ़ोन के जो सरफेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। ध्यान रखना है इस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना आने पाए, क्योंकि जब भी हम इस पर ग्लू डालेंगे तो वहाँ बबल आ जाएगा अगर वहाँ पे डस्ट का कोई भी पार्टिकल रह जाता है। बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। क्लियर हो जाने के बाद जो बॉक्स के साथ ये ग्लू आती है इसको बीच में फैला देना है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द मोबाइल इसको पूरा का पूरा इस पर डाल देना है। जो ये लिक्विड है, ये यूवी लिक्विड होता है। फिर उसके बाद बिल्कुल ध्यान से हमें लगाते वक्त ध्यान देना है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो, उसकी वजह से ही हमारा स्क्रीन गार्ड ख़राब होता है। फिर ऊपर से इसका जो पेपर को रिमूव करना है स्क्रीन गार्ड से, और बिल्कुल ध्यान से इसको रख देना है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसको बिल्कुल पूरा बीच में से रख देना, जैसे वो बबल आ गया था उसको हटा दें ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके दोबारा से, और इसको ना फिर फैलने के लिए छोड़ दें। ये 2 से 3 मिनट में पूरा का पूरा फैल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं होती है। कभी ये थोड़े टाइम में भी फैल जाता है, कभी थोड़ा बहुत टाइम भी ले लेता है। इसको अपने हिसाब से फैलने दीजिए, पूरी डिस्प्ले पे अपने आप फिल हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी नए हैंडसेट आते हैं ये क्रवड एजेस में होते हैं, इनमें आप नॉर्मल ग्लास नहीं लगा सकते, इसकी फिर लेमिनेशन ही करवानी पड़ती है। तो ये इस टाइप के गार्ड आते हैं यूवी लाइट वाले, इनको आप हमारे थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो। ये हमारे पास सारे मॉडलों के होते हैं जो हम वीडियो दिखा रहे हैं रेनो 8T के, प्रोसेस सभी का सेम रहता है। और ये जितने भी क्रवड मॉडल हैं सैमसंग के, वन प्लस के, ओप्पो के, वीवो के सारे मॉडलों के हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ विद डिलीवरी चार्ज रहती है। ये अच्छे ब्रांड का हम स्क्रीन गार्ड आपको सेंड करेंगे। जैसे ये 1 मिनट का गार्ड हम जो अभी लगा रहे हैं, इसकी मार्केट में भी आप देखने जाओगे कॉस्ट 600 से 700 रुपये आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसका पूरे से अप्लाई होने के बाद इसको पूरा कहीं से भी ध्यान दें, ये रह ना जाए थोड़ा सा भी। फिर जो बॉक्स में से अपने को ग्लू ये यूवी लाइट निकालनी है, और कोई भी पावर सोर्स से इसको अटैच करना है, चार्जर से, पावर बैंक से, USB केबल के साथ अटैच करके इस पे ना पूरी की पूरी लाइट को फैला देना है। देख सकते हैं आप, ये यूवी लाइट होती है, जिस जो हमने लिक्विड इसके अंदर डाला है वो ना इस पे पूरे पे फैलने के बाद वो ना इस लाइट से सूख जाता है, जिससे वो हार्ड हो जाता है और इस पे गार्ड अच्छे से फिट हो जाता है। और साइड में से अगर कोई भी ग्लू थोड़ी बहुत निकलती हो तो कोई भी ये कपड़ा लेके इसको क्लीन सा साइड में से वो उसको सोख लेगा, जिससे वो ग्लू नीचे नहीं जाएगी। तो इस लाइट को थोड़ा थोड़ा सारे स्क्रीन गार्ड पे फैलाना है। 5 से 7 मिनट में पूरा का पूरा फिट हो जाता है फ्रेंड्स। जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा गार्ड आपका फिनिशिंग आएगी गार्ड में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है और स्क्रीन पे भी नंबर आप देख सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आफ्टर मार्केट गार्ड है या कंपनी का खुद का गार्ड है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।